हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष कुमार दास फ्रॉम IIPM स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि लिमिट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लिमिट में हम लोग ये चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे कि अल्जेब्रिक लिमिट, इवोल्यूशन ऑफ अल्जेब्रिक लिमिट। तो अल्जेब्रिक लिमिट को इवोल्यूएट करने के लिए क्या क्या मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्जेब्रिक लिमिट को हम लोग इवोल्यूएट करने के लिए जो जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो वो मेथड से मैं आप लोग को चार मेथड बताया था, जैसे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड वन इज योर रैशनलाइजेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज योर मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा दूंगा मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है। सपोज ये क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग मेथड पढ़े थे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर हम लोग एक्स का जगह में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, ये सर नो, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये हम लोग को मिल जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्लियर? तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कौन सा फॉर्म होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आप लोग का याद नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। हम लोग सेकंड मेथड जाएंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से हम लोग एक्स का जगह में जब भी हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज योर रैशनलाइजेशन। में रैशनलाइजेशन कब अप्लाई करेंगे? रैशनलाइजेशन हम लोग मेथड वही अप्लाई करेंगे जहाँ पे स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो हम लोग क्यों अप्लाई करेंगे? फोर्थ देखिए, अभी हम लोग अप्लाई करेंगे मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी का थ्रू में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा ट्राई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स का जितना हाईएस्ट पावर होता है, ओके, और एक्स का जितना एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? टू। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को ये मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई लाइक एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इट बिकम्स ए प्लस हियर इट बिकम्स बी बाय एक्स, नेक्स्ट वन इज सी बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय इट इज डी प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन फाइंड दिस रिजल्ट, ए प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। सो इन लिमिट वन थिंग इज देयर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो। दिमाग में ये भी रख लो कि वन बाय और समथिंग बाय इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम लोग अभी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स का जगह में। अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बी बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। सी बाई इन्फिनिटी स्क्वायर कितना होगा? जीरो। ई बाई इन्फिनिटी कितना होगा? जीरो। एफ बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा? जीरो। तो हम लोग को ये मिल जाएगा ए बाई डी। क्लियर, समझ में आया? जो हम लोग चार मेथड पढ़े थे, फास्ट मतलब लास्ट वाला मेथड टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लोग को समझ में आ गया क्या करना है? मतलब जब भी हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में किसको डिवाइड करना पड़ता है? एक्स स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है। मान लो कि मेरे को एक्सप्रेशन मिला है जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर फोर है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या डिवाइड करेंगे? एक्स टू द पावर फोर। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन पुट द लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन प्लेस ऑफ एक्स यू कैन पुट सिंपली इन्फिनिटी। सो वी नो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स हम लोग जहां पे अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बी बाय एक्स इट शुड बी जीरो, सी बाई एक्स स्क्वायर ये भी जीरो होगा, ई बाई एक्स जीरो होगा, एफ बाई एक्स जीरो होगा, तो इसलिए हम लोग को रिजल्ट मिलेगा ए बाय डी। ओके, समझ में आ गया? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक मेथड है, जो मेथड हम लोग का
दैट इज बाय यूजिंग सम रूल, मतलब एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला बेस करके हम लोग अल्जेब्रिक लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं. ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.